गरीब का परिवार है, गरीब घर से सभी फौज में जाते, सरकार के बदले में उसे जिसका उसका जो करना खून के बदले खून चाहिए सरकार को। बोल के गया था कि पापा हम मार्च में आएंगे, हम घर बनाएंगे। मतलब बोल के गए थे कि मार्च में आके सबसे पहले हम घर बनाएंगे। मगर अब मार्च में आने पाने उधरे रह गए, तब घर कौन बनाता है। बिहार सरकार के तरफ से उसका जो नेता जनार्दन जो रहता है वो भी नहीं हुलकी मार पाया है, एक ट्वीट तक नहीं किया, नहीं एक टुकड़ी तक भी नहीं, कुछ नहीं। अब हम तो दो लड़का दोनों को भेजने के लिए तैयार हम हैं कि हम वो लड़का और भी आपके उसको भी आप सैनिक में भेजने के लिए, हाँ एकदम भेजने के लिए तैयार हैं कि जो दुश्मन जो हमारे साथ में किया है उसका साथ में हम डबल मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में हुए आतंकियों से मुठभेड़ में देश के 4 जवान शहीद हो गए और इसमें से बिहार के नवादा के चंदन कुमार भी शामिल है जो आज से 4 दिन पहले शहीद हो गए। आज जो है गया एयरपोर्ट पे 2 बजे करीब में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, इसके बाद जो है उनके गांव लाया जाएगा। अभी चंदन कुमार जी के पिताजी हैं, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि नौकरी कब हुआ था उनका? 2017 में नौकरी हुआ। हाँ सर। अच्छा तो कौन से पद में नौकरी हुआ था? आर्मी, हम तो जानते हैं आर्मी। अच्छा ये आपको पता है कि आर्मी में आपके बेटे का नौकरी हुआ। इसके बाद अचानक से खबर कब आया कि आपका बेटा जो है जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए? हमारे बेटा का खबर 12:30 बजे रात में आया। हाँ। हमारा छोटा बेटा जो था कि वहाँ सोया हुआ था। अच्छा। और उसी रात में फोन 12:30 बजे आया और बोला, मोबाइल बजाते ही उठाया मोबाइल, हेलो किया तो बोले आप कौन हैं? तो बोले हम रजौरा से बोल रहे हैं। क्या बात है? तो वहाँ से बोलता है कि हम चंदन का आदमी हैं और बोले से आप कौन हैं? तो बोले हम उनका छोटा भाई हैं। तो माने मतलब से थोड़ा 5 मिनट उनको समझाने लगा, तो समझाने लगा ताकि उसको दिल मैंने मतलब उसी समय लग गया कि आपके बेटे जो है वहाँ सही धड़कने लगा। तो हमारा उसके बाद में समझाते 5 मिनट के बाद में बोल दिया कि आपका भाई जो चंदन है वो शहीद हो गया, और शहीद कह करके अब मोबाइल धर दिया। उसके बाद में 12 बजे दिन तक मैंने हम लोग मोबाइल लगाते रहे कहीं कोई खबर। इससे पहले चंदन घर पे कब आए हुए? वो 16 अक्टूबर के आया था। अच्छा, छठ पूजा के टाइम में छुट्टी में घर पे आए थे? नहीं, दशहरा के टाइम में। और 14 नवंबर के यहाँ से वो 14 नवंबर को यहाँ से गए हुए थे। शादी भी 1 साल पहले ही हुआ? हाँ, 18 महीना हुआ उसको। अच्छा। ये घर का तकदीर और तस्वीर आप देख के समझ सकते हैं कि चंदन कुमार जो है कोई अमीर घर के नहीं है बल्कि गरीब घर के। घर बनाने को लेकर भी वो सोचे थे घर बनाने के लिए। बोल के गया था कि पापा हम मार्च में आएंगे, हम घर बनाएंगे। मतलब बोल के गए थे कि मार्च में आके सबसे पहले हम घर बनाएंगे। मगर अब मार्च में आने पाने उधरे रह गए, तब घर कौन बनाता है? अब हमको बेटा मतलब इकलौता चंदन ही? नहीं, 2 पुत्र था, 2 बेटा, 3 गो, 2 गो यहाँ है। हाँ। महिला में हूँ। हाँ। मतलब घर का सब चीज कमाने वाला सब जो बस सब उसी का निर्धारित में चल रहे थे। और 2 गो है, दोनों बेरोजगारिया बैठे हैं। 2 बेटा बेरोजगार है, एक चंदन के सहारे कहीं ना कहीं पूरा परिवार चल रहा था। अच्छा अब ये बताइए कि जब आपके बेटे का मतलब पार्थिव शरीर जो है यहाँ पहुँचने वाला है, क्या बिहार सरकार के तरफ से संतावना कुछ नहीं? बिहार सरकार के तरफ से उसका जो नेता जनार्दन जो रहता है वो भी नहीं हुलकी मार पाया, एक ट्वीट तक नहीं किया, नहीं एक टुकड़ी तक भी नहीं, कुछ नहीं। अभी तक सरकार कुछ बोल पा भी नहीं रहा है कि हाँ हमारे कोई दूरी में भी नहीं है कि चाहते क्या है सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारा 2 गो पुत्र है, उसका सर्विस 2 गो नौकरी होना चाहिए, कुछ मुआवजा हमको आज क्या हम कर सकते हैं? आज ये यूपी का सरकार है तो बगैर अब सोचिए कि बाकी राज्यों के जो सैनिक कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं उनके तमाम राज्य के कहीं ना कहीं जो सीएम है वो संतावना दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तक इस घटना को लेकर कोई ट्वीट भी नहीं किए, तो नाराजगी है आप लोगों में ना? हाँ, एकदम नाराज किए हुए हैं। आज बता रहे हैं कि यूपी सरकार जो है,
चाचा अभी आसपास के रहने वाले? जी हाँ सर, हम तो बहुत दुखी हैं, जितने राजद्वारे शमशाने ध्रुविचे शत्रु संग थे, आप लोग मित्र हैं, और हम यही अनुरोध करना चाहते हैं राज्य सरकार को कि विषम परिस्थिति में किसी ढंग से इनको सहायता रोजगार, क्योंकि ये घर देखा जा सकता है कितना साधारण घर है, कोई बड़े घर के चंदन नहीं थे जी, नहीं, और विषम परिस्थिति होते हुए राज्य सरकार और भारत सरकार, सब हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग मरने मिटने के लिए देश के सब सरहद पर तैयार हैं, इसलिए कि हमारा देश सुरक्षित है तब सब लोग सुरक्षित हैं, इसलिए उनको सर कम से कम जीविका के लिए रोजगार, या दोनों पिता उनको कहते हैं कि हमारा दोनों बेटा फौज में हम डालने के लिए, उससे पाकिस्तान बेटा शहीद हो गया फिर भी दो बेटे को फौज में डालने के लिए तैयार है सर, तो इसलिए उनको रोजगार मिलना चाहिए, नहीं तो उनको कोई उपाय नहीं है। बिजनेस जो जरा सा छोटा एक राशन का दुकान देता था वो भी भाई पूंजी दिया था और वो भी चला गया, आके बोला कि घर बना दे, घर भी नहीं बना सका, मतलब जाने से पहले बोल के गए थे कि आएंगे तो घर जो है वो बनवा लेंगे, बोला था सर, फिर भी हमारा गांव गरीब है, ये सिलसिला जारी है, फौज में गरीबी के कारण हर समय जाते रहता गरीबी है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने बेटे को फौज में भेजते हैं ताकि वो देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, क्योंकि जब हमारा भारत माता जब वहां पर रक्षक मिल गया तो हम लोग भी यहां अच्छे से पलेंगे, और यदि वहाँ बॉर्डर खाली हो जाएगा सर तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे, इसलिए आतंकवादियों से देख सकते हैं कि आप जितने भी फौज को देखते हैं जो हमारे बॉर्डर पे रह के कहीं ना कहीं देश की रक्षा करते हैं, उसमें जितने भी जो जवान होते हैं वो कोई बड़े घर से नहीं होते हैं, अमीर घर से नहीं होते हैं, बल्कि गरीब घर से होते हैं। आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, और सरकार जो है कि हमसे कुछ बातें नहीं कर रहा है, कुछ हमारे प्रतिनिधि कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो मांग हम किससे करें, सुन ही नहीं रहा है तो किससे हम मांग करें, हम सरकार सुन ही नहीं रहा। देखिए ये परिवार के लोग को समझ नहीं आ रहा कि जब सरकार कहीं ना कहीं आवाज़ें सरकार तक नहीं पहुंच रही है तो मांग किससे करें। चंदन कुमार को लेकर अगर हम बात करें तो महज 24 साल के वो थे, 1.5 साल पहले शादी हुआ था, इससे पहले छठ पूजा में वो घर पे आए थे, लेकिन अचानक से जब पूरे परिवार को कहीं ना कहीं जानकारी मिला कि बेटा जो है शहीद हो गया है, पूरे परिवार के लोग इस समय काफ़ी उदास है, कुछ ही क्षणों में कहीं ना कहीं पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा, क्या मांग रहेगा सरकार के बदले में, उसे जिसका उसका जो करना, खून के बदले खून चाहिए सरकार को। घर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घर कोई अमीर का नहीं है, साधारण गरीब साधारण सा गरीब का परिवार है, गरीब घर से सभी फौज में जाते हैं, इसके लिए सरकार को चाहिए, उसके बदले सरकार को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, इसको जो होना चाहिए सरकार को मिलना चाहिए। क्या कहेंगे वैसे आतंकी के लिए, क्या इस घर से दूसरे और भी जो बेटे हैं वो भी फौज में जाना चाहेंगे और वैसे आतंकियों का कहीं ना कहीं वो सामना करेंगे? आतंकवादियों का सामना करने के लिए सरकार को प्रोत्साहन मिलता है तो हर घर से एक फौज जाता है, उसके लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उसके बाद उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ मिलना चाहिए, जो सरकार से हो सकता है उसे हर घर से तैयार करना चाहिए फौज, उसके लिए हर प्रकार से मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए इस घर की हालत क्या है, किस घर से गरीब तबके से तबके आदमी जाते हैं घर में। सोचिए कि किसी भी सैनिक को आप देश पे रक्षा देश के बॉर्डर पे रक्षा करते हुए देखते हैं, वो लोग गरीब घर से होते हैं, और चंदन को लेकर अगर हम बात करें तो वो इससे पहले जब छुट्टी में आए थे तो ये बोल के घर से गए थे कि अगली बार आएंगे तो घर नया बनाना है, नया घर बनाने के लिए सपना सजो, उसका घर का सपना अधूरा रह गया, घर का स्थिति सरकार को चाहिए ऐसा घर बना के दें कि लगे कि हाँ ये सही चंदन का घर है और पूरा देश देखे। चंदन कुमार का घर का आप तस्वीर देख सकते हैं कि तस्वीर को देखकर ही आपको लग रहा होगा कि ये घर जो है कहीं ना कहीं कोई गरीब का है बल्कि किसी अमीर का नहीं है। हम तो भेजने के लिए तैयार हैं, मगर ले जाने वाले ले जाएंगे तब, हम तो दो लड़का दोनों को भेजने के लिए तैयार हम हैं कि हम वो लड़का और भी आपके उसको भी आप सैनिक में भेजने के लिए? हाँ एकदम भेजने के लिए तैयार हैं, क्यों जो दुश्मन जो हमारे साथ में किया है उसका साथ में हम डबल मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। गांव के लोग भी कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि इनके परिवार को कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से भी इस दुख की घड़ी में मदद करना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।